मार्केट में जो गैप अप मिला उसे बाजार ने पूरे दिन सस्टेन भी किया, 22,000 के ऊपर क्लोज होने में बंद भी हुए। अब ये समझ लेते हैं कि कल के लिए क्या ट्रेंड है इंडेक्स पर, कौन से पांच बड़े स्टॉक्स हैं जिनको आप नजर रखनी है, कल के ट्रेड में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा खबरों के दम पर या अर्निंग्स के बेसिस। पहले इंडेक्स का ट्रेंड समझ लेते हैं। निफ्टी पर इस वक्त क्या ट्रेंड है? लॉन्ग टर्म का। बैंक निफ्टी पे क्या ट्रेंड है? लॉन्ग टर्म का। इसी तरह से आप कॉल्स की कौन सी कॉल्स हैं जो एक्टिव दिख रही है इस वक्त? 22,100 की कॉल एक्टिव दिख रही है, 22,200 की कॉल में अच्छी बाइंग हुई है और इनफैक्ट 22,200 एक रेजिस्टेंस लेवल भी है निफ्टी के। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि बाजार को सपोर्ट कहाँ मिल रहा है। अगर 22,200 रेजिस्टेंस है तो नीचे 22,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि 21,900 और 22,000 दोनों ही स्ट्राइक पे अच्छी पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। अब अर्निंग के लिहाज से कल निफ्टी की बड़ी कंपनी HDFC बैंक के नंबर्स आने हैं। दूसरे बड़े नंबर्स में ICICI सिक्योरिटीज, इस पर आपको नजर रखनी है, LTTS, ICICI लॉम्बार्ड और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जिनके कल नंबर्स आने हैं। दो स्टॉक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे आज के ट्रेड में, पहला था पॉलीकैप। पिछले पूरे हफ्ते इट वॉज बजिंग, इट वॉज इन न्यूज, लेकिन आज 6% की मूव लास्ट आवर में देखने को मिली। उसका रीजन था कि आज सुबह तो एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई थी, लेकिन लास्ट आवर में जेफरीज की रिपोर्ट आई और टारगेट प्राइस दिया 7,000 का। उनकी इस रिपोर्ट में बात की गई है कि IT के जो क्लेम्स हैं फर्दर क्लैरिटी, हालांकि IT के इस मैटर में बिल्कुल अवेटेड है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो पॉलीकैप अपने डोमेस्टिक पीयर से काफ़ी डिस्काउंट ट्रेड कर रहा है। लगभग 30-35% घूम चुका है पॉलीकैप और इसलिए स्टॉक पर नजर रखना चाहिए कि कल भी इसमें बाउंस बैक हो सकता है। पॉलीकैप के इस हफ्ते रिजल्ट्स भी। दूसरा स्टॉक DB Realty 10% की बंद हुआ तेज, क्योंकि यहाँ पर फंड रेजिंग की खबर है और 17 जनवरी का वोट बैठक है, तो इसमें एक्शन रह सकता है, इस पर वॉच करें। सोम डिस्टिलरीज में भी फंड रेजिंग की भी खबर है, 3% वहाँ चला स्टॉक और 17 जनवरी को इसकी भी बोर्ड की बैठक है। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति, यहाँ पर भी फंड रेजिंग की खबर है और साथ ही अगर आप प्राइमरी मार्केट में देखें तो ज्योति CNC ऑटोमेशन, जिसका काफ़ी अच्छी सब्सक्रिप्शन भी करी थी, उसकी लिस्टिंग भी है, तो इन स्टॉक्स पर नजर। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.